गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? देख सकते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आज मार्डवेला प्लांट लाई हूँ, आज इसी की केयर टिप्स करना बताऊँगी। तो आज इसी प्लांट की मैं देखभाल आपको करना बताऊँगी फ्रेंड। तो इसमें कि आपको बता दें तो इसमें कि बहुत सारी वेरायटी आती है, तो आप चाहें जो वेरायटी का आप लेना हो आप ले सकते हैं, बेझिझक झिझक ले सकते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, कम देखभाल में, कम केयर में, कम रखरखाव में आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि एक ही शब्द को ये तीन लैंग्वेज में क्यों कह रहे हैं, तो फ्रेंड बता दूं कि मैं तीन अलग अलग मतलब शब्दों का प्रयोग करती हूं, इसलिए कि जो जिस तरह का रहेगा उसको वह मेरी भाषा समझ में आएगी। तो कम रख रखाव, कम देखभाल, लो मेंटेनेंस में ये चलने वाला पौधा होता है, इसको आप आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ख्याल रख लेंगे तो उसके बाद आप नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है, और इसको समझिए कि कटिंग से आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसको मैंने फ़िलहाल कटिंग से ही लगाया था। दो और प्लांट है मार्डवेला का, येलो और वाइट, उसको तो मैं नर्सरी से खरीद के लाई थी, लेकिन इसको मैं अपने कटिंग से लगाया था। ये बहुत ही खूबसूरत और भीषण फूल देने वाला पौधा होता है। तो आप भी अगर पौधा लगाना ये चाहते हैं तो या तो कटिंग से लगा लीजिए, और नहीं तो आप नर्सरी से खरीद के लाइए। ये गर्मियों में फूलों की कमी नहीं होने देगा, बस ठंडी में एक महीना ये फूल नहीं देता है, बाकी और सब सीजन में ये बम्पर फूल देता है। तो इसको अगर आपने नहीं ऐड किया अपने गार्डन में तो ज़रूर ऐड करिए। तो चलिए इसकी मैं कंप्लीट केयर आपको बता देती हूँ, उसके बाद इसको आप लगाइए और इसको अपने गार्डन में लगाने के बाद फूलों का मजा लीजिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसको मैंने एक छोटे से उसमें लगाया था, और इसको मैंने एक कटिंग से ही लगाया था, बहुत आसानी से ही चल गया। और ये छोटे से कंटेनर में है, तो देख सकते हैं इसकी मिट्टी भी बहुत ही अच्छी है, वेल ड्रेन है। तो आप भी ऐसी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात कर लें। अगर आप नर्सरी से ले आते हैं तो क्या क्या खाद डालेंगे और कैसे इसकी मिट्टी तैयार करेगी, कितने देर की सनलाइट दिखाएंगे ताकि आपके गार्डन में बना रहे और छोटे से छोटे भी प्लांटर में अच्छे से फूल दे। तो देख सकते हैं छोटे ही प्लांटर में फूल दे रहा है। तो आज मैं एक ऐसा लिक्विड भी बताऊंगी कि अगर आपने कटिंग लगाया है और पौधा मर रहा है तो उस लिक्विड को डालते ही पौधा जिंदा हो जाएगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, और भीषण गर्मी में वह खाद पौधों को ठंडक देगा। तो मतलब सारी जानकारी मेरी वीडियो में मिल जाएगी, खाद भी मिले मतलब खाद के बारे में भी जानकारी, मिट्टी कैसे तैयार करें उसकी जानकारी, कटिंग कैसे लगाएं उसकी जानकारी, मतलब ए टू जेड आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरे छोटे से गमले में लगा हुआ है, इसको मुझे शिफ्ट करना है, तो मैं इसको बड़ा सा कंटेनर नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए नहीं दे पा रही हूँ, मुझे इसे मिट्टी में लगाना है। मेरे पास जो दो वैरायटी और है उसको उन दोनों को लूँगी, और इसको तीनों को मैं एक जगह और ज़मीन में लगाऊंगी। और ज़मीन में लगाने के बाद इसको मैंने सोचा है कि अपने न्यू होम के जो मेन गेट होता है उसके ऊपर लगाऊंगी। तो ये तीनों कलर एक साथ जब खिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी चाहें तो तैयारी बना सकते हैं, नहीं तो या तो आप बहुत बढ़िया इसको मतलब आप गेट वगैरह पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्लांट को आप गेट वगैरह पर अपने लगाने के लिए इसको ज़रूर मतलब ज़रूर खरीदिए या कटिंग से ग्रो करिए। तो मैंने इसी की वजह से इसको मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि मुझे गेट पर लगाना है, जब मैं गेट पर लगाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी। तो देख सकते हैं इसमें जड़ें भी बहुत अच्छी बनी हैं और इसकी मिट्टी भी मैंने बहुत अच्छी तैयार की है फ्रेंड। तो चलिए मिट्टी की सबसे पहले बात कर लें, उसके बाद और भी बातें होंगी। चलिए सबसे पहले मिट्टी की बात में ये करेंगे फ्रेंड कि जब भी आप मिट्टी तैयार करिएगा तो वेल्डर मिट्टी तैयार करिए। वेल्डर मिट्टी में यह होता है कि जो भी आप पानी डालेंगे एक्स्ट्रा पानी छनकर निकल जाएगा और उसमें नमी मात्रा रह जाएगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि प्लांट अच्छे से विकास करता है, पौधे का उचित विकास होता है। क्यों विकास होता है कि मतलब जो ये मिट्टी होती है ऊर्जावान होती है, ताकतवर होती है। वेल्डर मिट्टी ऊर्जावान होती है, ताकतवर होती है, जिसके कारण पौधे का उचित विकास होता है, ठीक है फ्रेंड। और दूसरा ये होता है कि जो जड़ें होती हैं उसके पूरा अच्छे से फैलती हैं, और जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जड़ें फैल नहीं पाती हैं, जिसके कारण पौधा कुछ समय बाद चल के वह मर जाता है। तो आप पूरी कोशिश करके उसको वेल्डर मिट्टी ही दीजिए। वेल्डर मिट्टी तैयार करने के लिए आप क्या लेंगे? वेल्डर मिट्टी का मतलब होता है भुरभुरी मिट्टी, जिसमें आप पानी डालें और निकल जाए। वेल्डर मिट्टी का मतलब यह होता है।
तो मैं दोनों भाषाओं में आपको समझा दूँ कि अगर मतलब मान लीजिए जो समझने वाले हैं वर्ल्ड समझ लेंगे, और जो नहीं समझने वाले हैं उनके लिए है भुरभुरी मिट्टी जिसमें आप पानी डालो और वह पानी छन के निकल जाए। तो उसके लिए आप इसमें धान की भूसी ले लीजिएगा और बालू ले लीजिएगा और नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा, उसमें लगा दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपके गार्डन में सालों साल चल जाएगा। उसके बाद आता है कि गमले का चुनाव कैसा करें। देखिए गमला चाहे जिस साइज का लीजिए, जैसे साइज का लेंगे उतना ही क्वांटिटी में फ्लावर भी आएंगे। तो गमला कोशिश करिए कि मतलब बड़ा साइज लीजिए, और बड़ा भी लीजिए तो ये कोशिश करिए कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, क्योंकि जिस भी गमले में जब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है उसी उसमें फूल वगैरह अच्छे से आते हैं। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने से ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वह छन कर निकल जाता है प्लांट की मिट्टी में, जब नहीं रुकता है तो प्लांट स्वस्थ होते हैं। प्लांट जब स्वस्थ रहते हैं तभी जाके अच्छे से फूल देते हैं। तो यही मतलब कोशिश यही करना है कि जो भी आप लीजिएगा ड्रेनेज सिस्टम वाला लीजिएगा जिसमें बहुत अच्छा बना हो, और नहीं बना हो तो चाकू उकू की भी चीज़ों से उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिट्टी की हो गई। तो इसकी सनलाइट की बात करना है फ्रेंड, तो आप चाहें तो इसको 6 घंटे की सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं, 4 घंटे के भी, या तो फुल सनलाइट में। ये तीनों हालात में बहुत अच्छा चल जाता है। तो मैंने इसको अपने बालकनी में ग्रो किया है, इसमें कम से कम 4-5 घंटे की सनलाइट आती है, 5 घंटे की तो आती ही है। तो मैंने वहाँ रखा था और इसको मैं अपनी वीडियो को अपने कमरे में लाकर शूट कर रही थी, बालकनी में थोड़ी सी धूप आ गई है फ्रेंड। ठीक है, तो इतने देर के भी सनलाइट में इसको रखना चाहे तो रख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये चल जाएगा। और कभी कभी देखिए कीट वगैरह का होता है, तो कभी कभी ये काम करिए कि फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे वगैरह करते रहेंगे तो ये फ़ायदा होगा। फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करेंगे तो कोई भी मिली बग वगैरह कीड़े मकोड़े इस पर नहीं लगेंगे। तो ये देख सकते हैं वाइट वाइट ये चिट्टी चिट्टी दिख रहा है, तो मैंने इसके ऊपर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे किया था जिसके कारण इसकी पत्तियाँ ऐसे चिट्टी चिट्टी दिख रही हैं, क्योंकि जो मेरा फंगिसाइड पाउडर है वाइट कलर का है। ठीक है, तो चलिए अब मैंने इसकी वो बता दी, खाद बता दी। खाद के रूप में आप देखिए हर महीने आप क्या कर सकते हैं कि खाद के रूप में इसमें आप हर महीने एक मुट्ठी केचुए की खाद या गोबर की खाद डाल देंगे, बहुत अच्छे से चल जाएगा। नहीं तो किचन वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका भी अब अगर आप लिक्विड बना के डालेंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो आप चाहें तो किचन वेस्ट मटेरियल का लिक्विड बना के दीजिए, नहीं तो महीने में एक मुट्ठी केचुए की खाद एक मुट्ठी गोबर की खाद डाल देंगे, बहुत अच्छे से चल जाएगा। और समय समय पर मिट्टी की खुदाई वगैरह भी करते रहिएगा, मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी ताकतवर होती है, ताकतवर होती है तो ऊर्जावान मिट्टी जब होती है तो जड़ों का उचित विकास करती है। तो आप महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करना ना भूलिएगा। ठीक है, और पानी वगैरह दीजिएगा तो प्रॉपर तरीके से चेक करके दीजिएगा, जहाँ तक कोशिश करिए कि पानी वगैरह दीजिएगा तो पत्तियों को नहलाते हुए देंगे तो डबल फायदा होगा। एक तो प्लांट को और मिट्टी को पानी भी मिल जाएगा, दूसरे ये प्लांट की जो पत्तियाँ दिख रही हैं वो नहा लेंगी आपकी, नहा लेंगी तो स्वस्थ हो जाएगा पौधा, तो बहुत अच्छे चल जाएगा। और एक काम और करिएगा कि ये जब आप कटिंग से लगाइएगा चाहे जिससे, एक स्टिक का सहारा जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये लताएँ वाले पौधे होते हैं तो बहुत जल्दी ऐसे लुढ़क जाते हैं, तो एक स्टिक का आप सहारा दे देंगे, इससे ये फ़ायदा होगा कि वह उस सहारे वह पकड़ा रहेगा और कुछ समय तक वो टिका रहेगा। तो आप कोशिश यही करिए कि या तो इसको 24 इंच या 18 इंच के गमले में लगाइए, और नहीं लगा सकते हैं तो इसको ज़मीन में लगाइए, क्योंकि अधिक क्वांटिटी में अगर आपको फ्लावर लेना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपको वह दोनों मार्डवेला का प्लांट आपको दिखा दूँगी, अगर नहीं दिखा पाई तो मैं फिर किसी और वीडियो में दिखा दूँगी फ्रेंड। तो चलिए मैं खाद ला के आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ऐसा खाद डालने वाली हूँ जिससे इस गर्मी में इस पौधे को ठंडक भी मिलेगी और फूलों का साइज मेरा अच्छा होगा, फूलों की मात्रा बहुत ज़्यादा आएगी, इसमें भर भर के फूल आएंगे। जो छोटे से गमला दिख रहा है इसी में आएंगे फूल, ज़्यादा बड़े गमले की मुझे वो नहीं है, क्योंकि इसको मैं बाद में फिर इसको मिट्टी में लगाऊंगी। तो देखिए खाद वगैरह डालने से पहले एक काम करिएगा कि मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा। तो मैं तो यहाँ खुरपी वगैरह तो लेके आई नहीं थी, तो मैंने अपने हाथों को ही खुरपी बनाकर और इस मिट्टी की बहुत अच्छे से खुदाई कर दी हूँ, तो देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको खाद दिखा देती हूँ, उसके बाद वो लाती हूँ, खाद भी लेके आती हूँ यहीं उठा के। तो आप खाद मैं किचन में ही तैयार करके रखी हूँ, तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं मेरे। तो देख सकते हैं ये एक है कि जो भी मैंने फल वगैरह खाए थे तरबूज वगैरह उसके ये छिलके हैं, छिलकों को मैंने 2 दिन तक पानी में भिगो कर रखा था और ये तैयार हो चुके हैं। एक ये भी फर्टिलाइज़र है मेरा, और दूसरा ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने सब्जियों के छिलके वगैरह प्रॉपर तरीके से मतलब भिगो के रखा है, और ये मेरे को भिगो हुए 5-6 दिन हो गया। तो इसमें तो मुझे मतलब एक्स्ट्रा पानी मिलाना पड़ेगा तब जाके ये मतलब काम का है, क्योंकि ये एसिड के समान हो गया है, क्योंकि 5-6 दिन में ये एसिड का रूप ले लेता है, तो उसको मुझे
प्रॉपर तरीके से भिगाना, सॉरी पानी मिलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और इसको तो मेरे को भिगोए हुए मतलब 2 दिन हो गया है, तो 2 दिन में इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस पानी को छान लेते हैं। तो मेरा गमला छोटा है तो मैं एक ही गिलास पानी डालूंगी, तो इसे ऐसे निकाल लेते हैं। इसका अगर कोई बीज वगैरह भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी मेरा ये बचेगा मैं और प्लांट में डाल दूंगी। इसको ऐसे ही सड़ाऊंगी, किचन में नहीं सड़ाऊंगी फ्रेंड, नहीं तो मेरे को डांट सुनना पड़ेगा। इसको ले जाऊंगी अभी मैं छत पर, छत पर ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, पैरों में दर्द होने लगता है, इसी वजह से किचन में ही मैंने सारे छिलकों को रख दिया। चलिए तो प्लांट में डालते हैं। आप ऐसी गलती ना करिएगा कि किचन में आप भी करिएगा, नहीं तो डांट तो सुननी पड़ेगी ना। तो मैं ये जो फर्टिलाइजर पानी डालने से पहले मैं इसके नीचे एक छोटा सा ये लगा दी हूँ प्लेट, इसलिए कि एक्स्ट्रा जो पानी रहेगा वो नीचे नहीं जाएगा, मेरा फर्श गंदा नहीं होगा। तो पानी को ऐसे भरपूर मात्रा में डाल देंगे प्लांट। तो देख सकते हैं पानी छन के तुरंत निकलना शुरू हो गया, मैंने डाला नहीं कि तुरंत पानी बाहर आना शुरू हो गया। तो देख सकते हैं मैं ऐसे ही कुछ देर छोड़ दूँगी कि जो भी जो ये पानी रहेगा वो ऊपर तक फिर से सोख लेगा फ्रेंड। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने इस पौधे को नहीं लगाया है तो नर्सरी से ला के लगाइए, अगर नर्सरी से नहीं ला सकते हैं तो आप किसी से कटिंग मांग के लगाइए। अगर आप नहीं वो कर सकते हैं तो आप अगर गोरखपुर के रहने वाले हैं तो आप मेरे से मांगिए कटिंग, मैं आपको कटिंग दूंगी और आप लगाइए। आपको जो भी पौधे का कटिंग चाहिए चाहे पौधा चाहिए आप हमसे संपर्क करिएगा, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं यूपी के, आप बेझिझक आप मेरे से मांग सकते हैं। मेरे पास सारे पौधों की मैं कटिंग लगा के रखती हूँ और ग्रो करके रखती हूँ, उस पर प्रॉपर तरीके से फूल भी आते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से संपर्क ज़रूर करिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। अगर आप मेरे घर पे आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आ सकते हैं तो मैं आपको नज़दीक के होंगे तो मैं पहुँचा दूँगी, और दूर के होंगे तो सॉरी, क्योंकि मैं भी बहू हूँ, बहू के एक एरिया होती है, दायरे होते हैं। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।